मगर ये बताइए कि अगर ये वज़ीर आज़म इमरान खान के इतना करीब थे और इतना करीब थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ये बताते थे कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर कौम को ये बताते थे कि नहीं नहीं उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, तो फिर उस्मान बुज़दार सर्वाइव कर गए और ये नहीं सर्वाइव कर सके, ये क्या हुआ? एक तो इमरान खान साहब का बहुत जो प्लस पॉइंट है, मैं अक्सर आज भी कहता हूं कि साफ नीयत आदमी है, करप्ट खुद करप्ट नहीं है और वाकई ईमानदारी से कुछ करना चाहता है। लेकिन दूसरा इमरान खान साहब का जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि जो पहले कान में डाल दे वो बात वो होती है और वो इस सियासत को समझते नहीं हैं। और फिर बुज़दार के हवाले से वो है कि मंसूर अख्तर है, बड़ा अच्छा कवर ड्राइव खेलता है, ये चल जाएगा, ये आगे परफॉर्म करेगा। लेकिन मंसूर अख्तर भी नहीं चला और बुज़दार भी नहीं चल रहा। आप यकीन करें शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आप मैं तो चलो मैं तो पंजाब का हूँ, मेरी राय बायस्ड हो सकती है, लेकिन मैंने इस तब्दीली के ख्वाब देखे हुए हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा दुख होता है, वरना कोई फीलिंग नहीं। आप लाहौर से लाहौर में गलियों मोहल्लों में निकल जाएँ, पंजाब के 10 बड़े शहरों में चले जाएँ, आप कराची तो बहुत गंदा हो गया लेकिन उनमें भी कमी नहीं है, जो खड्डा है वो खड्डा बढ़ता जा रहा है, जो सड़क ख़राब है वो सड़क ख़राब होती है, जहाँ दरख्त गिरा पड़ा है वहाँ दरख्त गिरा पड़ा है, ब्यूरोक्रेसी हंसती है, वज़ीर रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं अपने, पंजाब में ग्रुप 6 हुकूमतें चल रही हैं, हर मरतबा वो इमरान खान जो कश्मीर का मुहाज पर कश्मीर का मसला लड़ रहा है, जो ट्रंप से बातें कर रहा है, जो मोदी को हिटलर कह रहा है, वो रोज़ जाके तो सीवरेज सिस्टम की मीटिंग्स भी करते हैं हर हफ्ते जाके और उधर जाके लाहौर की उनको सिखाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये वो खिलाड़ी, फिर आप बुज़दार साहब की मंशूर से कोई पीटीआई के मंशूर से कोई ताल्लुक कोई नहीं, जद्दोजहद से कोई ताल्लुक कोई नहीं, कोई इमरान खान का कोई तब्दीली से ताल्लुक कोई नहीं। ये अगली मरतबा आप देख लीजिएगा, अगर हालात बदल गए तो ये मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन वजह क्या है? वजह वही है कि ये जो दम दरूद में बंदा आ जाता है, जो एक ग्रुप होता है इमरान खान साहब का अपना, एंड पे आ जाके एहसन जमील गुज्जर और बुज़दार साहब और वही तौंसा शरीफ और वही उनकी छोटी छोटी बातें। दुख की बात यह है कि मुबैना तौर पर जो सुना जा रहा है, जो ये सभी बातें सामने आ रही हैं कि करप्शन हो रही है, पोस्टिंग ट्रांसफर पे पैसे लिए जा रहे हैं और इमरान खान साहब को चंद लोगों ने अच्छा किस्त दे रहे हैं, और ये मैं अक्सर कहता हूँ कि ये पानीपत है, वाटरलू है पंजाब, इसमें निकलना पड़ेगा। और शहबाज गिल साहब की जो मैंने अभी मेरी बात नहीं हुई लेकिन मैंने जो उनके करीबी दोस्तों से सुना है, ये डिप्रेस, वो कहता है कि मैं इस सिस्टम को जो पंजाब में है, कोई जो थोड़ा सा भी जिसमें अकल है वो डिफेंड नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, बता रहे थे अंदर की कहानी क्या है, इस पर बात कर रहे थे।